गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा। PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इसी चैनल पर ना बहुत सारे क्विज डालते रहते हैं हम लोग, साथ ही PDF डालते रहते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई पहली बार चैनल को देख रहा हो तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। किसके आधार पर? बाहर आधार पर। तो देखो, एक चीज़ याद रखना, बाहर क्या होगा? सतह। बाहरी चीज़ क्या होती है? सतह। कहते हैं ना कि बाहर बाहर से देख लो, ऊपर ऊपर से देख लो, सतह से देख लो, तो क्या होगा? सतही दृष्टिकोण होगा। आंसर हो जाएगा बी। अब एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, बाहर से बहिर्दर्शन विधि के जनक, बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? तो ये वॉटसन है, याद रखना। और अंतर्दर्शन के कौन है? बुंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद किस स्तर पर पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति और गतिवाह योग्यता सभी स्तरों पर पाए जाते हैं। कभी भी पूछ लेना व्यक्तिगत भेद, दो आदमियों या दो इंसानों में किस किस स्तर पर विभेद पाया जा सकता है, तो हर एक स्तर पर पाया जा सकता है। ठीक है, चिंतन प्रारंभ होने के, कोई आप चिंतन करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि समस्या हो आपके पास। चिंतन से याद आना चाहिए, किताब है हाउ वी थिंक, ये किसकी है? जॉन डीवी की है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और 5 स्टेप बताए थे किसने? जॉन डीवी ने। किसके? समस्या समाधान के, याद रखना, पूछा जाएगा ये, रीट के लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किसने किया? बुद्धि लब्धि विकसित करने की, ये देखो, बुद्धि लब्धि सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले काम किसने किया, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, काम किसने किया, तो करके आना स्टर्न। अगर पूछ ले विकसित किसने किया तो लगा के आना टर्मन, और टर्मन ने कब किया था? 1916 में, ये भी याद रखना। ठीक है, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA × 100। ठीक है, इतना याद रख लेना। ठीक है, और बिने ने क्या कहा था? पहला बुद्धि पे काम किया था ना 1905 में। ठीक है, याद रखना, बुद्धि पे कब काम किया था? 1905 में, और 30 क्वेश्चन दिए थे इन्होंने। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बिने ने दिया था 1908 में, और तब कितने क्वेश्चन कर दिए थे? 59, ये भी याद रखना। 1905 में 30 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार कि कितने क्वेश्चन हो गए थे 1908 में जब इसने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। विनय के सिद्धांत को एक कारक का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, कब? हाफ ईयरली एग्जाम में, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। क्या हो गया? वो फेल हो गया, मतलब असफल रहा, पहली पोजिशन नहीं ला पाया। इससे वह निराश होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसने क्या कर लिया? समायोजन कर लिया। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, करके सीखना ही अर्थपूर्ण सीखना है, ये किसने कहा? ये जॉन डीवी ने कहा है। इनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक और है एजुकेशन एज लाइफ, याद रखना। और याद रखना समस्या समाधान विधि के, समस्या समाधान भी कैसा? आधुनिक समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। और पुराने टाइम के कौन है, पुराने समय में समस्या समाधान विधि के जनक बताओ? सुकरात, याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ याद रख सकते हो आप, क्या? बस इतना ही याद रख लो। चलो, अभी ब्रूनर ने 3 स्टेज दिए हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, याद रखना। और डिस्कवरी लर्निंग भी इन्होंने दिया, ब्रूनर ने, और एक किताब है इनकी रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने तो 3 क्या बताए, बताओ, नियम दिए, कैसे? मुख्य नियम है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, कब दिए? 1898 में। एक किताब भी इनकी एनिमल इंटेलिजेंस नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग बता देना इतना मैं एक्सप्लेन किया करूँ या नहीं किया करूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको सूचना दे, मेरे चाचा को ना कोरोना हो गया यार, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो आप सब लोग प्लीज़ प्रे करेंगे क्या उनके लिए? प्लीज़ ना, जो भी इस वीडियो को देखे तो प्रे उनके लिए प्रे करना ना, प्लीज़ जल्दी से वो सही हो जाए। प्रतिरक्षा प्रक्रिया कैसी है? देखो, तुम्हारी अगर कोई रक्षा कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हें रक्षा के लिए कवच चाहिए ना, तो व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है प्रतिरक्षा प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड होता है, बाधा को हटा दो। डायरेक्ट मेथड क्या है? बाधा को हटा दो, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? इनडायरेक्ट विधि है। कैसी? इनडायरेक्ट विधि है। किसकी? व्यक्तित्व समायोजन की। और ये सी वाली कौन सी? डायरेक्ट विधि है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, उपलब्धि अवप्रेरणा, इसका सिद्धांत दिया था किसने? मैकली लैंड ने, याद रखो। युंग ने क्या दिया है? अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, ये दिया है। विधि के जनक कौन है? युंग। ठीक है, अंतर्दर्शन नहीं, सॉरी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये बताए इन्होंने। ठीक है,
और सामूहिक अचेतन मन का भी, सामूहिक अचेतन ये भी संप्रत्यय युंग ने दिया है। और याद रखना साइकोलॉजिकल टाइप ये इनकी किताब है, ठीक है। और कौन सी है, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियस, ये भी इसकी किताब, इनकी किताब है। एक चीज़ याद रखना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि 1909 में आया था, जिसके अंदर 100 शब्द थे, वो भी किसने दिया, युंग ने दिया, याद रखना, ठीक है। फ्राइड क्या है, मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिकवाद, गत्यात्मक मनोविज्ञान, ये सब फ्राइड का है। आंसर होगा इसमें ए, मैकलीलैंड। नेक्स्ट, श्याम को अपने परिवार समारोह में, श्याम एक लड़का, पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, माता को उदासीन भी नहीं रखना चाहता। तो देखो दोनों जगह क्या परेशानी में, तो दोनों जगह परिहार, परिहार द्वंद्व, ऐसे आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। दोनों जगह जब एक एक तरफ कुआ एक तरफ खाई होती है ना, तो वो वाली स्थिति को कहते हैं परिहार, परिहार। निम्न में से सर्वप्रथम किसने बताया कि व्यक्तित्व चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्ति, रक्षा युक्ति की बात कही सिगमंड फ्रायड ने। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन चीज़ें किसने दी हैं, सिगमंड फ्रायड ने, याद रखना। और सिगमंड फ्रायड की ने ही क्या दिया था, ये अहम मनोविज्ञान था ना इसका, ऐसे मत याद रहो, ऐसे याद रहो, अहम मनोविज्ञान के जनक कौन है, अन्ना फ्रायड, किसकी बेटी है, सिगमंड फ्रायड की। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किसने दी है, सिगमंड फ्रायड की किताब है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, देखो व्यवहारवाद है, कौन लेके आया था, वाटसन लेके आया था। संज्ञानवाद है, इससे रिलेटेड कौन है, प्याजे। रचनावाद है, ठीक है, याद रखना, मगर ये संप्रत्ययवाद नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों को देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी। कभी व्यक्तिगत भेद की बात आए ना, तो जितने भी ऑप्शन हो ना सभी लगा देना। नेक्स्ट, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक पक्ष का प्रश्नोत्तरी पद्धति, इतना याद रखो, प्रश्नोत्तरी पद्धति किसने दी है, वुडवर्थ ने। एक है प्रश्नावली, अच्छा दोबारा बता रहा हूँ, प्रश्नावली तो दी है वुडवर्थ ने, और प्रश्नोत्तरी दी है सुकरात ने, याद कैसे करोगे, अगर प्रश्न के साथ आपको उत्तर मिल गया तो इससे ज़्यादा सुकर की कोई बात नहीं है, ठीक है, याद ऐसे रख लो, ठीक है। और रूसो किससे रिलेटेड है, प्रकृतिवादी हैं, रूसो क्या है, प्रकृतिवादी हैं, याद रखना। और ये कहते हैं कि 11-12 साल तक बच्चे को स्कूल विस्कूल मत भेजो, प्रकृति से सीखने दो उसे। नेक्स्ट, एक राष्ट्र के एक विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य आध्यात्मिकता, दृढ़ शक्ति बनाना, ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना। ऐसा या मैंने कैसे याद किया, भूतकाल और भविष्यकाल की बात कौन कर रहा है, एक है भूतकाल एक है भविष्यकाल, तो ना और ना दो हो गए, टी और पी, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा याद किया, भूतकाल भविष्यकाल की बात कौन कर रहा है, टीपी नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से किसने आत्मसिद्धि की बात किसने करी है, तो ये करिए मैस्लो ने। मैस्लो का क्या है बताओ, नीड थ्योरी है, कैसी थ्योरी, नीड थ्योरी, कितने प्रकार की नीड बताई, 5। अगर पूछ ले प्रेरक कितने बताएं इसने, तो प्रेरक बताएं 2, कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित, याद रखना। अब देखो एडलर, इसने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स दिए, इसे भी याद रखना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, बालक इस डर से कि कहीं माता पिता उसे दूर ना हो जाए सामाजिक गतिविधियों में क्या नहीं लगता, भाग नहीं लेता, इसे कहते हैं SAD। SAD की फुल फॉर्म याद रख लेना, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। अब देखो ये इंग्लिश में ही लिख के आएगा और आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। ADHD क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस बच्चे को ना एक ही बार में सारी चीज़ें, एक ही बार में सारा हमें बताना पड़ता है, जितना भी काम है ना एक ही बार में दे दो ADHD वाले में, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो एक ही बार में सारा काम देते हैं ना, एक ही बार में सारा काम, वो किसको देते हैं, वो ऑटिज्म वाले बच्चे को देते हैं। और इसकी बात किसने करी थी, सैमुअल क्रेमर ने करी थी, ऑटिज्म के बच्चे की बात किसने करी, सैमुअल क्रेमर। एक सैमुअल किर्क और है, वो डिसेबिलिटीज़ की बात करता है। ADHD की तो बस फुल फॉर्म याद कर लेना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, आंसर क्या था इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष अवलोकन घटनाएं उद्दीपक अनुक्रियाओं के माध्यम से होती, प्रत्यक्ष अवलोकन की कह रहा है, तो ये व्यवहारवाद। देखो व्यवहार शब्द किसने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है, चेतना को सबसे गंदा शब्द बताया इसने, ठीक है। साइकोलॉजी, इनकी ये किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में आता है आहा मूवमेंट, ये पूछता है आहा मूवमेंट किस में आता है, गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दीमर लेके आया था गेस्टाल्टवाद को, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कौन है, कोहलर भी है, उसने चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना, प्रकार्यवाद जो दे रखा है ना, ये विलियम जेम्स, ठीक है,
इसके कार्यभार किसका है? विलियम जेम्स का है, और विलियम जेम्स की एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और टॉक टू टीचर्स, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो देखो व्यवहारवाद क्या है, अवलोकन ही व्यवहार बल देता है, सही बात है। चेतना का विरोध करता है, सही बात है। वातावरण पर बल देता है, सही बात है। जबकि अंतर्दर्शन पर स्वीकार करता है, ये गलत बात है। इसको असत्य पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंतर्दर्शन की बात कौन करता है? बुंट। अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है? बुंट। आंसर हो जाएगा डी। और बुंट ने लैब खोली थी 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में। बुंट कहाँ के हैं? जर्मनी के, याद रखना है सब। नेक्स्ट, ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय बुद्धि का कौन सा उपयोग किया जाता है? ये होती है स्थानिक बुद्धि। कौन सी होती है? स्थानिक। किसने दी हुई है? 8 तरीके भी हॉबर्ट गार्डनर ने, इनकी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड। प्राकृतिक बुद्धि 1998 में दी गई थी। 8 प्रकार की बुद्धि है, तो सबसे आखिरी बुद्धि यही है, याद रखना। नेक्स्ट, जिस बालक का मानसिक विकास ठीक नहीं होता उसका सामाजिक विकास भी पिछड़ जाता है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो विकास ना पारस्परिक संबंध होता है, एक याद रखना। विकास ना सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये याद रखना। और यही नियम किस में लागू होता है? कौन से? निगमन विधि में। आगमन में तो विशिष्ट से सामान्य होता है, निगमन में सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। विकास क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बाल विकास के निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया, उत्तेजना प्रतिक्रिया की बात कौन करता है बताओ? नहीं है, देख रहे हो, ये चीज़ें ध्यान रखा हो। SR की बात कौन कौन करता है? पावलोव करता है, वॉटसन करता है, और कौन करता है? हल करता है। टॉलमैन तो संज्ञान से रिलेटेड है। टॉलमैन ने क्या दिया था? चिन्ह सिद्धांत दिया था, और क्या दिया था? गुप्त अधिगम दिया था, जिसे लेटेंट लर्निंग कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, पावलोव का पूरा नाम पूछा जाता है, इवान पेट्रोविच पावलोव, ये नाम है इनका पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, अवृद्धि की दृष्टि से अप्रधान अंश है, मतलब वृद्धि कौन नहीं करता? आहार करता है, जितना अच्छा खाओगे उतनी अच्छी वृद्धि होगी। हार्मोन्स करते हैं, वंशानुक्रम करता है। जबकि कोई संस्था है ना, ये आपका विकास करती है, वृद्धि नहीं करती। वृद्धि ना एक समय के बाद रुक जाती है, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो वृद्धि केवल मानसिक होती है, गलत बात है। वृद्धि तो शारीरिक होती है, ठीक है। पर्यावरण अधिगम को प्रभावित नहीं करता, गलत बात करता है। विकास केवल मात्रात्मक होता है, गलत बात है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन प्रक्रिया, ये सही आंसर हो जाएगा डी। विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, याद रखना ही। नेक्स्ट, किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने संबंधवाद की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक करता है। और क्या दिया था? CABD टेस्ट दिया था, ठीक है, याद रखना। और कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व बताए थे इसने, प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, इस तरीके से, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता की बात बहुत करता है, याद रखना। स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक दिया, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, परिपक्वता एक प्रक्रिया है। परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? परिपक्वता अपने आप आती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैविक विकास से रिलेटेड। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग पहले अपने पूरे हाथ का, मतलब पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, पूरा हाथ, फिर उसके बाद उंगली का करता है, तो ये क्या है? ये है प्रोक्सिमो डिस्टल, ये है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमल डिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। सेफलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर की ओर। ये दोनों पूछे जाते हैं, बस दो ही चीज़ पूछी जाती है, ये और ये। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या है? ये वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट, एक बच्चा लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट लगी, आगे चलकर लाल चीज़ों से वो डरने लग गया। ये उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, पावलोव का सिद्धांत था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड थी, हॉपमैन मशीन से नापा जा सकता है, लिएंडर एंडरसन जिसने इसका ना शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया था, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसके में। सीखना कैसा होता है? अस्थायी होता है, ये सारी बातें याद रख लेना। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, और इकलौता मनोवैज्ञानिक जिसे नोबेल प्राइज मिला है, तो आंसर हो जाएगा ए, याद रखना ये सब। नेक्स्ट, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है, संवेगों और सामाजिक मानसिक विकास में भी निम्न स्तरीय रहता है, तो ये कैसा सिद्धांत है? ये होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 25, इसका जवाब दोगे आप? मतलब देखो ये सब ना एकीकरण होता है इन चीज़ों में, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा देखना क्या हो सकता है। नेक्स्ट, निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिरूप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वृद्धि और विकास। आपको पता है ना कि पहले बच्चा चलेगा, पहले बच्चा क्या घुटनों के बल चलेगा, फिर दौड़ने लगेगा इस तरीके से। पहले ना क्या आएगी, बच्चों के दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के वाले दांत आएंगे, इस तरीके से सब बता सकते हैं, बहुत हद तक ना पूर्व कथनी होती हैं चीज़ें। आंसर सी होगा। नेक्स्ट,
स्नैक्स से प्रगतिशील परिवारों के बच्चे अपेक्षाकृत किस चीज़ में, उपलब्धि में ना अधिक होते हैं, उपलब्धि बहुत होती है। उपलब्धि किसने दिया था, मैकलैंडर ने दिया था, ये चीज़ याद रखना। पिछड़ेपन का कारण कभी भी ना स्वस्थ वातावरण कभी भी पिछड़ेपन का कारण नहीं होता, तो आंसर डी हो जाएगा। व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था। काला, पीला, रक्त और कफ चार प्रकार के बताए थे, और इसने क्या टाइप्स ऑफ मैन, नहीं सॉरी नेचर ऑफ मैन, ये किताब थी इसकी। टाइप्स ऑफ मैन किसकी थी, स्प्रेंगर की थी, जिसने छह प्रकार का बताया था व्यक्तित्व। नेक्स्ट, सामान्य और विशिष्ट कारक, ये तो ऊपर ही बता दिया था, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है याद रखना। और गिलफोर्ड ने क्या दिया, 3D मॉडल दिया, याद रखना, जिसमें 120 कारक थे पहले, अभी फिलहाल में कितने, 180 कारक हैं। और क्या दिया, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये चीज़ें बताई सब गिलफोर्ड ने। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ हो सके तो शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और ना चाचा के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच आप लोगों ने सपोर्ट किया इसके लिए, और बाकी प्लीज़ शेयर कर देना ज़्यादा ज़्यादा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।